हाय शार्क्स, मेरा नाम अमन है। मेरा नाम दिलीप रमेश है। मेरा नाम संस्कृति है। और मेरा नाम सैफ। और हम सब थिंकेबल लैब्स के co-founders हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1,000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है। और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है, उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द ईयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेनस्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। लाइक टू इनवाइट प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शॉक्स। हाय प्रथमेश। Welcome to Shark Tank, Prathamesh. नमस्कार शख्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। सो अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैक स्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग, इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। सो अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो, गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया, आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। रेस्क्यू वन, आई एम मैनेजिंग इट। एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आस पास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लंच कार्ड के। सो क्यूट। चलो, 3-4 लोग में से हम ही एक है। अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। ओके। जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? ओके। आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही अमन आ जाए यार। सर, आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना, तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ
आयरस मेकर पावरिंग ऑफ। आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? प्रथमेश सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी करते। अरे तो आप भी शेयर होल्डर है क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय प्रथमेश, बाय बाय। तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स। वी आर प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड इन सॉफ्टवेयर, वी आर प्लानिंग टू डू दैट विथ हार्डवेयर in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ $1.7 million। 1.7 million मतलब 12 करोड़, 12 से 13 करोड़। तो US की एकेडमिक ईयर पे 700 एनीस का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। एनी का नाम US पे पॉली है। दे ट्रूली बिलीव इन आवर विजन और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है। वाओ। एंड वी आर लकी टू बी बैक बाय इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर आनंद महिंद्रा, मिस्टर रमन रॉय, IIM एंड LV। अब थिंकअवेल लैब्स को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स एंड इसलिए शार्क्स हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% इक्विटी फॉर 30 लाख रुपीज। आप चारों में क्या क्या काम कैसे डिवाइड करते हैं? कहने के तो सी सॉरी आई मीन कहने के लिए सर मेरा मतलब ये है कि हम सब सब कुछ करते हैं। संस्कृति समझ जा, तुम्हारा पत्ता काटने वाला है। You can try. बताइए कौन क्या करता है? सभी काम करते हैं पर सीईओ संस्कृति है, अमन सीईओ, मैं सीटीओ और सैफ चीफ हार्डवेयर देखता है। We're all engineers from BITS Pilani. अच्छा, आप सब BITS Pilani के। और हम जब कॉलेज में थे तब हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे एंड देयर वाज अ कोर्स कॉल्ड न्यू वेंचर क्रिएशन वेयर यू फिगर आउट द वायबिलिटी ऑफ योर आइडिया। टेक फॉर गुड रहा है हमारा मोटो, हम सब का। दैट इज वन थीम दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। ये टेक फॉर गुड जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट एरिया है। ये वाला जो डिवाइस है, ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है? क्या कितनी एज तक के बच्चों के लिए? एज इज 4 टू 15 तक का डिवाइस है। क्या मोबाइल फोन होता है सबके पास, जो एक सेंटर ऑफ डिवाइस बन गया है, तो मेरे को जो भी सीखना है मैं मोबाइल फोन के ईयरफोन्स लगाता हूँ और वो मेरे को सुनाता रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ, तो ब्रेल की जरूरत कहाँ पड़ी मेरे को? तो सर प्रॉब्लम ये है, ब्रेल जो है सर एक लिटरेसी है। लिटरेसी यानी एक फंडामेंटल स्किल ऑफ लिखना पढ़ना, और जब तक कोई इंसान या कोई बच्चा इनफैक्ट अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है उनकी, ये जो स्किल लिखना और पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, सर्टेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके माइंड में नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको एप्पल कहा, तो आपको दो चीज़ें आपके माइंड में आती है, एक एप्पल यानी कि रेड कलर का एक फ्रूट है, सेकंड APPLE। ऐसे आपने 5 लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना लिया, तो ये भी एक ऑटोमेटिक कॉग्निटिव ये है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस कितना हुआ एक डिवाइस का? $1,000 our price to the distributor. मतलब 70,000 रुपए। ये डिवाइस दिखा सकते हैं आप प्लीज? और कॉस्ट क्या है इस डिवाइस की? We make around 50% margin. ऐसा क्या है इसमें जो $1,000 मतलब? It's the problem that we're solving. नहीं, बट आपकी भी कॉस्ट $500 है ना? हाँ। ये आप कैसे बेचते हैं? खाली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर नहीं खरीदता या उनके पेरेंट्स नहीं खरीदते? B2C नहीं है। $1,000 में तो इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं इसको। इंडिया में आप कह रहे हैं 20 लाख बच्चों को जरूरत है। आपने बोला किसी इन्वेस्टर को जाके कि मैं इंडिया के 20 लाख बच्चों को ब्रेल सिखाऊंगा, ऐसे बोला आपने किसी इन्वेस्टर को? सर बोला है, बट द थिंग इज देखो मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप कहना आप अब पहले रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, अब आपको एक हैवी वेट कस्टमर मिल गया, अब आपका माई बाप हो गया वो कस्टमर, अब वो इसमें छोटे छोटे चेंजेस कराएगा जो आप करने में लग जाओगे और वही आपका बेसिकली ब्रेड एंड बटर हो गया। पर जो आप रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे वो रेवोल्यूशन तो पीछे रह गई ना। आप हार्डवेयर बेचने पे आ गए हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। आप सिंपल एलेक्सा को पकड़ो, आगे जो हार्डवेयर है उसकी कुछ नहीं है, वो तो आपको फ्री में भी दे जाएगा क्योंकि उसको पैसे पीछे से कमाने हैं।
आप वहां पे नहीं जा रहे सोच को लेके, आप ये सेम डिवाइस इंडिया में लगा देते हर जगह और बोलते एक घंटे के सेशन के 100 रुपए हैं, इस पे मैं QR लगा दूंगा। QR वो करा, ऑन हो गया जी आपका डिवाइस, एक घंटे तक चलेगा और आपके पीछे हिस्ट्री भी आ रही है और आप सॉफ्टवेयर में खेलते हैं इस पे, तो बड़ी गेम थी ना। आपको पहला ऑर्डर मिला, आप हार्डवेयर की तरफ भाग लिए। इसमें गेम बड़ी बनेगी, आपको हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी कम करनी है कि आपको फ्री में भी देना पड़े तो आपको चुभे ना, और इसमें आप पर सेशन कमाओ यार। सॉफ्टवेयर का गेम ही क्या है, फोन से थोड़ा पैसा कमाना है। फोन की क्या वैल्यू है, फोन के अंदर जो ऐप्स बैठी है उनकी क्या वैल्यू, आप ये समझो। आपने जो फंडिंग रेज किया है टोटल कितना डाइल्यूट कर दिया अभी तक? 35%। इस साल का क्या रेवेन्यू होगा सर? आज के डेट तक 3.5 इज ऑलरेडी क्लोजिंग एट अराउंड 5। क्लोजिंग एट 5। क्लोजिंग एट 5 करोड़ ये साल करोगे, अगले साल कितना करोगे आप? अगले साल हमारा टारगेट 20 क्रॉस करना है। मुझे बहुत पसंद है आप क्या काम कर रहे हो, बहुत अच्छा मकसद है आपका, और इतने नौजवान लोग ऐसा मकसद लेके आगे निकले हैं तो कुछ तो आप बनाओगे। तो चलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, आपको 30 लाख चाहिए फॉर 0.5%, तो आई विल ऑफर यू 30 लाख फॉर 2% ऑफ योर कंपनी। देखो 25-30 लाख रुपए से होने वाला नहीं है काम, मेरे को फंडामेंटल डिसअलाइनमेंट कहाँ हो रहा है कि आप दुनिया बदलने के चक्कर में अब फाइनली कहीं और भटकते जा रहे हैं, लोग आपसे कन्विंस नहीं है कि आप दुनिया बदल दोगे, तो आपको कोई बड़ी बैट नहीं खेल रहा आपके साथ। जो आपको बदलना है ना वो बड़ा बदलाव है, और वो बड़ा बदलाव के लिए बड़ी पिच बड़े सपने बेचने पड़ते हैं जो मुझे आता है। ऐसा सोचना पड़ेगा कि 20 लाख हिंदुस्तानी लोगों के पास पहले ये पहुंचे। मेरा आपको ऑफर है कि मैं आपको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं 5% इक्विटी लूंगा इसमें। मैं पीयूष के साथ 1/3-2/3 पे आना चाहूंगा अगर वो अलाउ करते हैं तो। मुझे नहीं लगता है कि आपका इतने डाइल्यूशन के बाद आपको और 5% करने चाहिए। माय ऑफर 30 लाख at 1%। मेरे खुद के 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, प्लस मैं 200 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हूँ फॉर आउटसोर्सिंग। मैं ये हर लेंस कार्ड स्टोर में इमीडिएटली अवेलेबल करा दूंगा फ्रॉम डे वन। इसमें अगर इन्वेंटरी कॉस्ट लगेगी वो भी मैं 0 कैपिटल कॉस्ट पे फंड कर दूंगा। मैं 70 कंट्रीज में हूँ, अगर आपका एम्बिशन है टू गो ग्लोबल तो वहाँ हमारे बहुत नेटवर्क्स है। लेंस कार्ड भी US में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, तो वो 70 कंट्रीज के मैं नेटवर्क्स ला सकती हूँ। मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है, मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है। पीयूष वांट्स टू ऑफर यू 1 crore for 5% और 30 lakh for 1% व्हिच नमिता इज ऑफरिंग, आई विल मैच दैट। But I need to work with you guys. I'll go lower than that. I'm willing to offer you 30 lakhs at 1% as well. मैं ऑफर करना चाहूंगी 30 lakh for 0.75%. मेरा ऑफर यही है कि इनका ऑफर ले लो। आप अमन किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं कि इसका ऑफर ले लो? आप जरा स्पेसिफिक एडवाइस दे दीजिए ना उन्हें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक। आप चारों को ऑन बोर्ड लाना चाहेंगे, आप अपने अपने सेक्टर में अलग अलग मोटिवेशन से बहुत ही अकम्पलिश्ड लोग हैं, सो वी वुड लाइक टू ऑफर 1 crore for 2.5% इक्विटी। चारों का 2.5% 1 crore के लिए। इतना इतना कम इक्विटी आप किसी को देंगे ना तो उनका सुबह उठ के आप मन नहीं करेगा कि आपसे बात करें। विल काउंट यू 1 crore for 4%. That's lesser than your previous offer. चार अलग लोग भिड़ रहे थे, आपने बोला चारों मिल जाओ, ठीक है मिल गए, फिर महंगा पड़ेगा ना। मैं आपके साथ अकेले भी डील कर सकता हूँ 1 crore ki 3% पे, पर आपको अभी बोलना पड़ेगा हाँ या ना। क्या मतलब हुआ? और मेरा 30 lakh for 0.75। मेरे को अभी जवाब चाहिए अभी। ना ना। ओह नाइस।
1 crore 4% ले लो. She's so clear. I love that. आप हमारा counter accept कर लो, हम फिर से discuss नहीं करेंगे. I think 1 crore 4% is a good deal. क्योंकि किसी का meaningful stake नहीं होगा ना संस्कृति, तो आपको भी ज़्यादा help नहीं होगा. वो सोचे ना, वो खुद ही अपने शाक का जो पत्ता काट रहा है बाद में आपका गिरा. चलो decide. आप लोग decide कर सकते हो. नमिता तो आज अलग ही. मुझे सचमुच करना है यार. It's a great call. नमिता तो अलग ही game पे आई यार. तू टाइम देगा? मैं तो, मेरा तो पूरा सेटअप है, मैं तो ऑफिस दे दूंगा. 1 crore भी स्टिकर होना 4% पे, क्या प्रॉब्लम है? असली शार्क तो आप लोग निकले भाई. होपफुली अभी क्लोज होगा, तो पहले देखते हैं. वेरी गुड, कम ऑन. तो हमारा काउंटर ऑफर है 1.2 CR फॉर 3%. 30 लाख ईच. या 30 लाख ईच. मैं इससे बाहर हूं. मैं इनकी डील मैच नहीं कर रहा हूँ. 1.75 30 लाख वाली. देखो, आपने 1 crore for 4% रिजेक्ट करके यू लॉस्ट अ शार्क. 1 crore 3% यू वांट टू डू? देन यू विल गेट 3 ऑफ अस. नो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 35-35-35 कर लेते हैं तो एक एक 1% बन जाएगा ना. तो डज दैट वर्क फॉर यू? 35-35-35 for 1% ईच. और हमारा फाइनल ऑफर इज 1.05 crores for 3% of the company. Shark seed deal pakki. Super! Right? Woo! अब Lenskart store पे आपको ये जो display करना है वो नहीं होगा. Please call Prathamesh. हम तीन sharks आ रहे हैं, पर मैं अकेला आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता था. मेरे को बाद में जाके इन दोनों का 1-1% बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा. I just wish from the bottom of my heart that you create many more Prathameshes for India. There he is. Prathamesh, ये आपके लिए. हम इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि we love you and we love the product. मैं पीयूष हूँ, Lenskart से. ये इतना नोबल कॉज के लिए किया, ये आप जो कर रहे हैं नोबल कॉज है. थैंक यू सो मच शार्क. एंड अमन सर यहाँ आइए यार. आपको मैं एक बात बताऊँ? हाँ बोलो. मैं इस बात से खुश हूँ कि जब भी हम हेडफोन स्पीकर या ऐसा कुछ लेते हैं तो हम जनरली इंटरनेशनल कंपनीज पे रिलाई करते हैं. मैं ना एक ग्रेट इंडियन होते हुए कह सकता हूँ कि मैं बोट का प्रोडक्ट यूज करता था यूज करूंगा और खरीदता रहूंगा. Oh.